आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड राज कुंद्रा भी अब एक्टिंग में डेब्यू करने जा रहे हैं। राज कुंद्रा की इस फिल्म का नाम यूटी नंबर 69 रखा गया है, जिसकी अपनी ही एक कहानी है। राज कुंद्रा हाल ही में पोर्नोग्राफी केस में जेल की सजा काट चुके हैं और बताया जाता है कि इस फिल्म का नाम आर्थर रोड जेल के उसी बैरक से जुड़ी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राज कुंद्रा की इस फिल्म की शूटिंग भी खत्म हो चुकी है। फिल्म की शूटिंग मुंबई में ही की गई है, जो कि मीरा रोड में मौजूद डिब्बा फैक्ट्री में हुई है, जहां फिल्म स्टार को अपनी फिल्म की शूटिंग खत्म करने में महीनों का वक्त लग जाता है। वहीं बताया गया है कि राज ने अपनी इस फिल्म की शूटिंग महज 18 घंटे में ही खत्म कर ली है। यह बड़े बजट की फिल्म नहीं है। राज अपनी इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर बेचने की जुगाड़ में लगे हुए हैं। फिल्म में लीड रोल में खुद राज कुंद्रा है, जिसकी शूटिंग के बारे में पहले ही किसी को भनक नहीं लगी थी। बताया जा रहा है कि राज कुंद्रा को पोर्नोग्राफी केस में फंसने के बाद आर्थर रोड जेल के अंदर काफी कुछ झेलना पड़ा था और उन्हीं किस्सों को लेकर उन्होंने इस फिल्म को उतारने की कोशिश की है। इस फिल्म में खास कर वैसे कास्ट और क्रू को रखे जाने की बात सामने आई है, जिसने अब तक इंडस्ट्री में ज्यादा कुछ नहीं किया है, ताकि फिल्म को लेकर जानकारियां पहले ही बाहर ना जाएं। खबर है कि द बिगर पिक्चर बैनर की इस फिल्म का डायरेक्शन शाहनवाज अली ने किया है, जिन्होंने भेजा फ्राई जैसी फिल्म बनाई, और आर्ट डायरेक्शन नीरज कुमार सिंह ने किया है। कहा जा रहा है कि मीरा रोड स्थित डब्बा फैक्ट्री को ही फिल्म में आर्थर रोड जेल की तरह दिखाया गया है। याद दिलाते चलें कि पिछले साल राज कुंद्रा को 2 महीने की जेल की सजा के बाद 21 सितंबर को 50,000 के मुचलके पर जमानत दी गई थी। पुलिस ने मलाड़ के एक बंगले पर छापामारी की थी, जिसमें ऐप पर पॉर्न फिल्में और अश्लील वीडियो परोसे जाने का भंडाफोड़ हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक राज कुंद्रा के मोबाइल, लैपटॉप और हार्ड डिस्क में 119 अश्लील वीडियो मिले थे, जिसे 9 करोड़ रुपए में बेचने की योजना चल रही थी। इस मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ 5 फरवरी 2021 को केस दर्ज हुआ था और 5 महीने की जांच के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।